भारत माता की, भारत माता की। हागा ओंडो मिसिको इगिर जीवंते जोहार अपे चिल्का मैना फया मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मित्र श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री और इसी धरती के संतान श्रीमान रघुवर दास जी, संसद में मेरे साथी विद्युत चरण जी, समीर उराव जी, पूर्व सांसद श्रीमती आभा महतो जी, पूर्व सांसद शैलेन्द्र महतो जी, संसद में मेरे साथी सुरेश पुजारी जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विशाल नजारा और वहां छत भी खाली नहीं है। ये हवा का रुख साफ बताता है कि पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाना आपने तय कर लिया है। झारखंड में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, ऐसा अभूतपूर्व उत्साह, इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद, मैं झारखंड की धरती को नमन करता हूं भाई बहन। धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मैं आप सभी साथियों का इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां उपस्थित हैं, आपका यही प्यार हम सभी को निरंतर आपकी सेवा के लिए प्रोत्साहित करता है। साथियों, जमशेदपुर की ये धरती श्रम की धरती है, उद्यम की धरती है। ये धरती लाखों लोगों के सपनों को साकार करने वाली धरती है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली धरती है। कोई व्यक्ति कैसे अपनी मेहनत के दम पर, अपने दम पर आगे बढ़ सकता है, उसकी ये प्रेरणा स्थली है। श्रमिक का पसीना और उद्यमी की संवेदना, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रवाद कैसे अद्भुत परिणाम ला सकते हैं, इसका उदाहरण जमशेदपुर है। आज मैं
इस शहर की स्पिरिट को और इस स्पिरिट को निखार कर सामने लाने वाले जमशेदजी नुसरवान टाटा को प्रणाम करता हूं। और मेरा तो एक प्रकार से आपके सीधा नाता है, क्योंकि टाटा परिवार गुजरात से और आज भी नवसारी में उनका घर है। और जब जमशेदपुर आए तो स्वाभाविक रूप से टाटा परिवार की यादें गुजरात से जुड़ी हुई है, इसका स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, जमशेदपुर आने का मुझे अनेक बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मेरा यहां ये दूसरा कार्यक्रम है। 2016 में जब पंचायती राज के कार्यक्रम में आपके बीच आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि हमारी सरकार दिल्ली में सिमट कर रहने वाली नहीं है, हम एसी कमरों में फैसले करके चैन से सोने वाले लोग नहीं है। भाजपा की सरकार ने केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में परिवर्तन का बहुत बड़ा लाभ झारखंड को मिला है। आज झारखंड भारत के इतिहास की कुछ क्रांतिकारी योजनाओं की गंगोत्री बना है, उद्गम स्थली बना है। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी शुरुआत का गौरव झारखंड के खाते में है। एक साल में ही देश के 60 लाख से अधिक गरीब मरीजों को, जिसमें करीब 2 लाख तो मेरे झारखंड के ही हैं, इनको गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज मिल चुका है। देश के किसान को, खेत मजदूर को, छोटे दुकानदार को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन योजना की शुरुआत का गौरव भी झारखंड को मिला है। देश के करोड़ों किसानों और छोटे व्यापारियों को 3,000 रुपये की पेंशन की इस योजना से बुढ़ापे का सहारा मिल रहा है। इतना ही नहीं, 2022 तक देश के हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने के अभियान की शुरुआत भी इसी झारखंड से हुई है। इसके अलावा झारखंड की धरती से, ग्रामोदय से भारत उदय का सफल अभियान भी शुरू किया था और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम भी झारखंड में किया गया। राज्य को
देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने का श्रेय आप सभी को है, रघुवर जी और भारतीय जनता पार्टी की टीम को है। साथियों, आज झारखंड की बुलंद पहचान देश और दुनिया में है, लेकिन जरा एक बार 5 साल पहले की क्या स्थिति थी उसको जरा याद करिए। कांग्रेस और जेएमएम के राज में यहां से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, लूट की खबरें आती थी। इन दलों के अनेक शीर्ष नेताओं पर आज भी भ्रष्टाचार के केस अदालतों में चल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक का सौदा कर दिया था। उस दौरान यहां क्या क्या खेल खेले गए इसकी जानकारी आप सभी को है। भाइयों और बहनों, 5 वर्ष पहले तक झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी चर्चा में रहता था। सिर्फ 15 साल में जमशेदपुर के पढ़े लिखे लोग पूरे झारखंड में ये बात पहुंचाइए, सिर्फ 15 साल में झारखंड ने 10 बार मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। 15 साल में 10, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, 13 साल अकेला था। और उस स्थिरता का परिणाम है कि आज गुजरात कहां से कहां पहुंच गया, यानी जितनी तेजी से झारखंड का मौसम नहीं बदलता था उतनी तेजी से यहां मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। इस अस्थिरता के लिए भी मूल रूप से कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ, निजी स्वार्थ यही जिम्मेदार रहा है। लेकिन भाजपा ने अस्थिरता के इस दौर पर रोक भी लगाई और पहली बार 5 वर्ष तक एक ही मुख्यमंत्री झारखंड को दिया। इसी स्थिरता का परिणाम है कि नक्सलवाद पर प्रभावी कार्यवाही हो पा रही है, बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बन पाया है। इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए, इस माहौल को बनाए रखने के लिए झारखंड पुकार रहा है भाजपा सरकार दोबारा। साथियों, कांग्रेस जेएमएम के अवसरवादी गठबंधन को यहां की स्थिरता रास नहीं आती, इसलिए वो एक अस्थिर व्यवस्था यहां चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इनका कारोबार फलता फूलता रहे। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में
झारखंड के विकास के लिए दिल्ली और रांची में भाजपा सरकार के डबल इंजन ने मिलकर के काम किया है। भाजपा के डबल इंजन का झारखंड को कैसे लाभ हुआ है, इसका हिसाब जानना जरूरी है। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, दोस्तों आपका उत्साह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, देखिए अभी तो मतदान के दिवस तक बहुत काम करना है, इतने नारे लगाओगे तो थक जाओगे। मैं आपके प्यार, आपके आशीर्वाद का आभारी हूं। धन्यवाद धन्यवाद भैया, मैं बोलना शुरू करूं? आप लोगों की ताकत इतनी जोरदार है, आप लोगों का उत्साह इतना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इस प्यार के लिए। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। साथियों, 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसने झारखंड के लिए जितने रुपए दिए उसका कई गुना बजट झारखंड सरकार को दिल्ली की भाजपा की सरकार ने दिया है। इसमें भी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना, उसको बेहतर बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आज झारखंड में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने वाली परियोजनाएं तेजी से चल रही है। भाइयों और बहनों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी झारखंड में करीब 2600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने थे, लेकिन सिर्फ पांच वर्षों में ही करीब 700 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे या तो बन चुके हैं या बहुत जल्द पूरे होने की तैयारी में है। इसी तरह रेलवे को मजबूत करने के लिए के भी अभूतपूर्व और तेजी से यहां काम हुआ है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपनी सरकार के 5 साल में झारखंड के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि भाजपा सरकार के दौरान बीते 5 वर्ष में इसका 5 गुना यानी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को मिला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 2014 से पहले के 5 वर्ष में जहां 300 किलोमीटर से कम रेल लाइनें चालू हुई, वहीं केंद्र में भाजपा शासन के दौरान झारखंड में
करीब 700 किलोमीटर लाइनें खोली गई, यानी सीधे सीधे दो गुना से अधिक का काम रेलवे लाइनों के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, यहां सीएनजी जैसी प्रदूषण रहित आधुनिक व्यवस्था भी झारखंड के अनेक शहरों में विकसित की जा रही है। इसके लिए गैस पाइपलाइन से झारखंड को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का भी बहुत बड़ा लाभार्थी झारखंड है, ये हमारा जमशेदपुर है। उज्ज्वला योजना के तहत यहां के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। अब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी पाइप से सस्ती गैस देने का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों और बहनों, ये योजनाएं और ये आंकड़े याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इससे दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि झारखंड के विकास के लिए, आप सभी की सुविधा के लिए भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दूसरी बात ये कि दिल्ली और झारखंड में दोनों जगह जब भाजपा की सरकार होती है तब विकास की रफ्तार और तेज हो जाती है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, सरकार स्थिर होती है, तब उद्योग के लिए माहौल बनता है, निवेश के लिए माहौल बनता है। यहां की भाजपा सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि झारखंड में निवेश को आकर्षित किया जाए, ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिल सके। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि स्टील के साथ साथ यहां मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े दूसरे उद्योग भी लगे, विशेष तौर पर कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग के लिए झारखंड में अनेक संभावनाएं हैं, जिसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है। भाई और बहनों, झारखंड हमेशा से तसर कच्चे रेशम के मामले में अग्रणी रहा है, लेकिन पहले की सरकारों ने इसके विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। सी भूम का ये इलाका हो, सराय केला हो, सिमडेगा हो, झारखंड के करीब करीब हर हिस्से में रेशम की पैदावार होती है। हमारे आदिवासी परिवार, जनजातीय परिवार बड़ी संख्या में इसके उत्पादन से जुड़े हैं। भाजपा की सरकार झारखंड को रेशम का, कपड़े का एक हब बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। इसी सोच के साथ बीते 5 वर्षों में करोड़ों रुपयों की मदद झारखंड को दी गई है। इसी का परिणाम है कि पहले जहां हर वर्ष 2000 मैट्रिक टन से भी कम रेशम का उत्पादन होता था, अब करीब करीब 2700 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 5 वर्ष में सिर्फ रेशम उद्योग में ही
2.25 लाख नए रोजगार मिले। आने वाले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार रेशम उद्योग को, कपड़ा उद्योग को यहां और सशक्त बनाने वाली है। साथियों, भारत आज अगर दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक बना है तो इसमें जमशेदपुर का, झारखंड का, यहां के आप सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। बीते 5 वर्ष में हमने भारत के स्टील को सड़क से लेकर सैटेलाइट तक हर काम में प्राथमिकता दी है। आज भारत में ही बना स्टील मेक इन इंडिया के हमारे विजन को सशक्त कर रहा है। भारत में ही बने स्टील से आज रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, मेट्रो ट्रैक बन रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। आने वाले समय में स्टील की मांग और उत्पादन तेज होने वाला है, जिससे जमशेदपुर में, झारखंड में स्टील उद्योग के विस्तारीकरण के पूरी संभावना है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का तो है ही, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए। कुछ महीने पहले श्रमिकों की न्यूनतम आय से जुड़ा एक अहम कानून बनाया गया है, जिससे यहां के श्रमिक साथियों को भी लाभ मिलना तय है। इस सत्र में हम श्रमिकों के हितों से जुड़ा एक और कानून भी लेकर के आए हैं। इस कानून के बनने से श्रमिकों का जीवन और आसान होगा, उनके हितों की रक्षा होगी। साथियों, भाजपा की सरकार ने समाज के उस वर्ग की चिंता की है जिसको हमेशा सिर्फ नारों से ही लुभाया गया है। हमारे जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथी हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, घरों में, दुकानों में काम करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, ऐसे श्रमिक साथियों की चिंता पहली बार भाजपा सरकार ने की है। श्रम योगी मानधन योजना से ऐसे साथियों को 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं उसका भी सबसे अधिक लाभ इसी वर्ग को हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिल रहे हैं उसका बड़ा लाभ भी इसी श्रमिक वर्ग को हुआ है। और भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहूंगा, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में एक भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब हर परिवार का अपना पक्का घर होगा, ये काम मैंने बीड़ा उठाया है और आजादी के 75 साल पर पूरा करना। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन की योजना का लाभ भी ऐसे ही श्रमिकों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों